7th class. How are you all? All of you are fine? Very good. आज हम आपका holidays के बाद grammar का एक नया chapter start कर रहे हैं. Lesson number 3. As you can see in the picture, pronoun. Name of the lesson is pronoun. जैसे कि आपको आपकी picture में या फिर screen पर दिखाई दे रहा है. Lesson number 3. Pronoun. हमने जो पहले किया था, noun किया था, ठीक है, sentences हमने किए हैं. लेसन वन जो था हमारा सेंटेंसेस से रिलेटेड था, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस किए थे, ठीक है. और उसके बाद हमने किया था नाउन, ठीक है. अब नाउन के बाद, नाउन के भी हमने 5 to 6 हमने नाउन्स किए थे. इसके बाद है लेसन नंबर 3 प्रोनाउन. जो प्रोनाउन है बेटा, कि जैसे हमने नाउन किया था कि नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और कार्ड नाउन, ठीक है. इसी तरीके से जो प्रोनाउन है इट ऑलवेज रिप्लेस अ नाउन. जो प्रोनाउन है, आप हिंदी में जिसको सर्वनाम बोलते हो, सर्वनाम, ठीक है, तो वो क्या करता है, जो प्रोनाउन का बेसिक काम क्या होता है कि इट रिप्लेस अ नाउन इन अ सेंटेंस. कि एक सेंटेंस में जब हमारा नाउन जो बार बार होता है, या फिर आप कह सकते हैं इट अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन, कि जो बार बार जो नाउन की रिपीटेशन होती है हमारे सेंटेंसेस में, ये उसकी को अवॉइड करता है. कि बार बार हम किसी का भी नाम, चाहे वो पर्सन का है चाहे वो एनिमल है, ठीक है, किसी के भी नाम की बार बार जो रिपीटेशन होती है उसको अवॉइड करता है. और हम उस नाम की रिपीटेशन को रोकने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वी यूज़ प्रोनाउन. हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है. अब प्रोनाउन के बारे में एक चीज़ और है, कि सबसे पहले तो मेन थिंग तो ये होगी कि इट प्रोनाउन रिप्लेस अ नाउन इन अ सेंटेंस, कि ये नाउन को रिप्लेस करता है. दूसरी चीज़ क्या है इम्पॉर्टेंट, कि जो प्रोनाउन है ऑलवेज शुड बी अकॉर्डिंग टू जेंडर एंड नंबर. जो प्रोनाउन है आपका, इट्स अकॉर्डिंग टू जेंडर और नंबर के अकॉर्डिंग ही हमें प्रोनाउन यूज़ करना चाहिए. सपोज़ इफ़ वी आर यूजिंग, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ बॉय, अगर हम किसी एक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, देन वी यूज़ ही प्रोनाउन फॉर द बॉय, हम ही का यूज़ करेंगे. एंड सेम इन द केस ऑफ गर्ल, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ गर्ल, वी यूज़ शी प्रोनाउन, ठीक है. अब ये तो था जेंडर के रिलेटेड. और नंबर के रिलेटेड क्या होगा, कि इफ़ वी आर यूजिंग, इफ वी आर यूजिंग टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, अगर हम एक के बारे में बात करें, देन वी यूज़ सिंगल प्रोनाउन, ठीक है. बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट टू और मोर पर्सन, देन वी यूज़ प्लूरल प्रोनाउन. सपोज इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्सन राहुल, ठीक है, आई यूज़ ही प्रोनाउन, ठीक है. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट राहुल एंड सनी, ठीक है, राहुल एंड सनी, आई एम टॉकिंग अबाउट टू पर्सन, मैं दो बच्चों के बारे में बात करूँ, तो मैं क्या मैं सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ करूँगी? नो, आई यूज़ दे फॉर राहुल एंड सनी. मैं उन दो बच्चों के बारे में बात करूँ तो मैं वहाँ पर दे प्रोनाउन का, यानी कि प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ करूँगी, ठीक है. तो नाउन प्रोनाउन के बारे में आपको दो चीज़ें याद रखनी है, कि इट रिप्लेस द नाउन, नाउन को रिप्लेस करेगा, एंड प्रोनाउन शुड बी अकॉर्डिंग टू जेंडर एंड नंबर, नंबर के अकॉर्डिंग होना चाहिए. अब है आपके टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. देखो आपके पिक्चर में है पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेथेटिक, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड इनडेफिनेट प्रोनाउन, ठीक है. अब हम सबसे पहले आते हैं पर्सनल प्रोनाउन. देखो पर्सनल प्रोनाउन में बेटा, इन्होंने पर्सनल प्रोनाउन के दो टाइप्स दिखाए हैं, नंबर वन इज़ सब्जेक्टिव एंड सेकंड वन इज़ ऑब्जेक्टिव. अब तो सबसे पहले कि पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है, ठीक है. जो पर्सनल प्रोनाउन है वो दो टाइप का होता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. और पर्सनल प्रोनाउन क्या है, कि जो नाउन को रिप्लेस करे, पर्सनल प्रोनाउन क्या है, जो नाउन को रिप्लेस करेगा, दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन. और जो पर्सनल प्रोनाउन है ये तीन टाइप का होता है बेटा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है. जैसा कि आपको इस पिक्चर में शो किया गया है, कि जो पर्सनल प्रोनाउन है इट स्टैंड्स फॉर थ्री पर्सन्स, ये तीन पर्सन्स के लिए यूज होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है. फर्स्ट में देखो आई, मी, वी, अस, ठीक है. और सेकेंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे, ठीक है. तो ये है हमारे थर्ड पर्सन. आपको ये टेबल बहुत ही अच्छे से लर्न करनी है. इसके बाद है आपका पर्सनल प्रोनाउन. हाँ जी, अब जो पर्सनल प्रोनाउन है बेटा, मैंने आपको बताया कि सब्जेक्टिव,
सब्जेक्टिव क्या होता है कि इफ़ अ प्रोनाउन इज़ यूज इन द सब्जेक्ट पोजिशन, अगर कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आया है, ठीक है, अगर कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आया है तो हम उसको बोलेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन। अगर इफ़ अ प्रोनाउन इज़ यूज इन ऑब्जेक्ट पोजिशन, अगर कोई हमारा जो प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट की पोजिशन में आया है, सब्जेक्ट कहाँ पे आता है, स्टार्ट में, किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट में आता है, ठीक है, जब हम किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो हमारा सब्जेक्ट आता है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट होगा एट द एंड ऑफ द सब्जेक्ट, या फिर किसी भी एक सेंटेंस का जब ख़त्म होता है, ठीक है, तो वहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, तो वो हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। अब जैसे देखो आपका है एक नीचे जो ऑरेंज कलर, सॉरी पिंक कलर की जो आपको टेबल दी गई, उसमें ध्यान से देखिएगा, आई बेक द केक, जिसमें देखो जो आई प्रोनाउन है, आई यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आया है, सो जो आई इज़ अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन। यू सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है, शुरुआत हो रही है हमारे सेंटेंस की, तो यू क्या है, इट इज़ यू इज़ ऑल्सो अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन। आप देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, द केक वॉज बेक्ड बाई मी, ये एक तरीके से जो हमारे आपने जो पीछे क्लासेस में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस किया होगा, नरेशन की होगी, तो एक तरीके से वो है कि आई बेक द केक, ठीक है, तो उसमें जब हम वॉइस चेंज करते थे कैसे उठाते थे, द केक वॉज बेक्ड बाई मी, ठीक है, आई का जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो क्या निकला, मी, यू का सेम रहा, दे का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हुआ, देम, ही का हिम, शी का हर, ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट से का और जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की टेबल है वो मैं आपको सेंड करूँगी। इसके बाद है बेटा आपका पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन क्या शोज करता है, पजेसिव प्रोनाउन बेटा किसी भी चीज़ के ऊपर आपका पजेशन, पजेशन का मतलब होता है अधिकार, पजेशन का मतलब होता है अधिकार किसी भी चीज़ पर, ठीक है, तो पजेसिव प्रोनाउन रेफर टू पजेशन, वो पजेशन शो करेगा, और कुछ एक पर्टिकुलर वर्ड्स है जो हम पजेसिव प्रोनाउन में यूज़ करते हैं, माइन, योर्स, हर्स, हिज, देयर्स, आवर्स, ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं जो कि आपके रेड इंक में दिखाई दे रहे हैं, दीज आर पजेसिव प्रोनाउन वर्ड्स, ठीक है, हम इन पर्टिकुलर वर्ड्स का यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ पर अपना पजेशन शो करने के लिए। सपोज़ मैंने बोला दिस बुक इज़ माइन, दिस बुक इज़ माइन, तो जो ये माइन वर्ड है ये क्या शो कर रहा है, ये पजेशन यानी कि अधिकार शो कर रहा है कि ये जो बुक है वो किसकी है, मेरी है। मैंने बोला सेकेंड एग्जाम्पल, दिस कार इज़ योर्स, दिस कार इज़ योर्स, ये जो कार है किसकी है, आपकी, तो कार के ऊपर किसका अधिकार है, आपका, बिकॉज ये कार पर किसका पजेशन शो हो रहा है, आपका, तो ये जो वर्ड्स हैं माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स, योर्स, ये क्या है, आपके पजेसिव प्रोनाउन। बेटा ये जो पर्टिकुलर वर्ड्स हैं ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है, तभी आप इन जो प्रोनाउन का जो चैप्टर है आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे। इसके बाद है आपका नंबर 3, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। जो डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है बेटा, इसमें बेसिकली 4 प्रोनाउन होते हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इनमें इसमें 4 वर्ड होते हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज, एंड दीज प्रोनाउन्स आर यूज टू स्पेसिफिक थिंग्स आर कॉल्ड डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। हाँ जी, और इन प्रोनाउन का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, किसी भी जो स्पेसिफिक थिंग्स को पॉइंट आउट करने के लिए, ठीक है, आपने नर्सरी, सॉरी, फर्स्ट क्लास से स्टार्ट कर दिया था, दिस, दैट, दीज, दोस, ठीक है, एक बार मैं फिर से करा रही हूँ कि दिस आप कहाँ पर यूज़ करेंगे, दैट का आप कहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है, दिस एंड दैट दोनों ही सिंगुलर हैं, ठीक है, दिस एंड दैट दोनों ही सिंगुलर हैं, तो सिंगुलर चीज़ के लिए यूज़ होगा, दिस आपका नज़दीक की चीज़ के लिए दूर होगा, और जो दैट है वो आपका दूर की चीज़ के लिए, जैसे कि दिस इज़ माई बुक, ये मेरी बुक है, दैट आर योर्स, वो आपकी बुक है, ठीक है, तो दिस आप नज़दीक की चीज़ के लिए, दैट आप दूर की चीज़ के लिए यूज़ करेंगे। सेम केस है आपका दीज एंड दोस, दीज आप नज़दीक की चीज़ के, दीज एंड दोस यूज फॉर प्लूरल, आप प्लूरल के लिए यूज़ करेंगे, दीज फॉर आप नज़दीक की चीज़ के लिए, एंड दोस सेम आप दूर की चीज़ के लिए करेंगे, ठीक है, तो ये है आपका डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। जो डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन के जो वर्ड्स हैं, दीज वर्ड्स आर यूज्ड टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक थिंग्स, जो स्पेसिफिक थिंग्स हैं उनका उनको पॉइंट आउट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद है आपका 4th वन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन।
WH फैमिली सबने कर रखी है, ठीक है, WH फैमिली सबने कर रखी है, वेरी। तो जो WH फैमिली है बेटा आपकी, इंटरोगेटिव प्रोनाउन में हम वही यूज़ करते हैं, ठीक है। WH फैमिली का हम यूज़ क्यों करते हैं? क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हम पूछते हैं हम WH फैमिली से ही कब पूछते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था WH फैमिली क्या होती है, कि जो भी आपके हु वट WH से स्टार्ट होने वाले वर्ड हैं जिनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, हु वट हुज हुम विच हाउ, दीज आर कॉल्ड WH फैमिली, हम उनको बोलते हैं WH फैमिली, हाँ जी। और इंटरोगेटिव प्रोनाउन का हम इसी WH फैमिली का यूज़ करते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन के लिए, ठीक है। और इंटरोगेटिव प्रोनाउन में का यूज़ होता ही किस लिए है? टू आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चंस को पूछने के लिए। अब जो ये जो के जो वर्ड्स हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन के, जैसे हु है, हु बेटा किसके लिए यूज़ होगा? फॉर ह्यूमन बीइंग, जो इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, उसके लिए हम हु का यूज़ करेंगे। व्हाट, अगर हमें किसी से कुछ पूछना है, व्हाट क्या, ठीक है, हमें आंसर लेना है, ठीक है, क्या है इस तरीके, तो हम व्हाट का यूज़ करेंगे। हु एंड हुम, हम दोनों ही ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़ करेंगे हु एंड हुम। विच, अगर हमें किसी विच किसी चीज़ के लिए पूछना है तो हम किसका यूज़ करेंगे? विच का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब था हमारा वेयर, अगर हमें किसी प्लेस के बारे में पूछना है तो हम कौन से WH फैमिली का यूज़ करेंगे? वेयर का, ठीक है। अगर हमें टाइमिंग के बारे में पूछना है, किसी चीज़ की हैपनिंग के बारे में पूछना है, वो चीज़ कब हुई थी, कब हैपन हुई थी, या टाइम क्या था, तो हम व्हेन वर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इंटरोगेटिव जो प्रोनाउन के जो वर्ड्स हैं उनका भी अलग अलग यूज़ होता है, कि जैसे हु एंड हुम है, दोनों ही मैंने आपको बताया ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़ हो रहा, विच व्हेन टाइम के पूछने के लिए यूज़ हो रहा है व्हेन का यूज़, ठीक है, वेयर प्लेस के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये हैं आपके फोर प्रोनाउन मैंने आज कराए हैं आपको, पर्सनल, पजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एंड फोर्थ वन लास्ट है हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। जब आप ये वर्ड पढ़ेंगे और इनका यूज़ करना सीखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन की। सबसे पहला है कंप्यूटर इज दिस, कंप्यूटर किसका है, क्या आंसर है, हुज, मैं बताया ना हुज कंप्यूटर इज दिस, किसका कंप्यूटर है, ठीक है। सेकंड वन, डिड यू रिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसका क्या आंसर निकलेगा, हुम डिड यू, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन बीइंग के लिए हुम का यूज़ होगा ह्यूमन बीइंग का। देखो व्हाट, व्हाट का यहाँ पर व्हाट मीन्स क्या, यहाँ पर नहीं यूज़ हो सकता। विच, कौन, कौन सी किसी चीज़ के लिए यूज़ हो रहा, जो कि यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, होम डिड यू रिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, किसने आपका मतलब फ़ोन किया इतनी देर, रिंग अप होता है फ़ोन किया, किसने आपको फ़ोन किया इतनी सुबह, तो यहाँ पर एक ह्यूमन बीइंग के बारे में बात हो रही है, तो ह्यूमन बीइंग के लिए सिर्फ एक ही वर्ड यूज़ हो रहा है, वो है होम, ठीक है। नेक्स्ट वन है डैश आर द कॉमेडी मूवीज दैट यू लाइक, वो पूछते हैं कि आपको कौन सी मूवी पसंद है, आर द कॉमेडी मूवीज दैट यू लाइक, तो कहते हैं तो इसका आंसर क्या बनेगा, हुम, हुम ह्यूमन बीइंग के लिए, हम यहाँ पे इसका यूज़ नहीं कर सकते, ना यहाँ पर व्हाट हम फिल कर सकते हैं, ना ही हम यहाँ पर हुज, ठीक है, हुज मीन्स किसकी, हम नहीं फिल कर सकते हम यहाँ पर किसकी, हम सिर्फ विच, यहाँ पर विच आर द कॉमेडीज मूवी, वो पूछ रहा है कि आपको कौन सी कॉमेडी मूवीज़ हैं अच्छी लगती हैं, दैट यू लाइक, आपको कौन सी मूवीज़ अच्छी लगती हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको जो अप्रोप्रिएट वर्ड है, जो सूटेबल वर्ड है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है जो यहाँ पर, आपको वो अच्छे से फिल करना है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से ये प्रोनाउन का जो लेसन है वो समझना है, और जो आपको टेबल्स दी गई हैं, चाहे वो ग्रीन कलर में है, चाहे वो सॉरी ग्रीन कलर में ही, और एक पेज नंबर 30 पे हैं पजेसिव प्रोनाउन की, आपको वो दोनों ही टेबल अच्छे से लर्न करनी है, ठीक है। थैंक यू।